फ्रेंड्स, नेचुरल ब्यूटी टिप्स में आपको दिल से वेलकम करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एलोवेरा गोल्ड फेशियल लेके आए हैं। यही फेशियल अगर आप जा कर के आप पार्लर में करवाती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो हम आपके लिए ये घर पे ही उपलब्ध है। हम आपको घर पे करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से, जो कि आपको तो बचत करेगा ही, साथ में आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा आपके फेस पे, जो आप खुद ही चाहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं एलोवेरा गोल्ड फेशियल। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लींजर चाहिए तो इसके लिए हम मिल्क से अपना फेस साफ करेंगे। कच्चा दूध है, कच्चा दूध का यूज करें। जब भी आप फेस साफ करें तो कच्चे दूध का ही यूज करें। आप इसे चाहें दूध को तो आप दिन में, मॉर्निंग में कभी भी आप कच्चे दूध यूज कीजिए, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर आप रात में करना पॉसिबल है तो रात में आप इस दूध को रात में लगा करके सो जाइए, सुबह में अपना फेस धो लीजिए, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा निखार आएगा, ग्लो आएगा, रंगत भी बहुत अच्छा से निकलेगा आपका। हम अपना फेस पहले साफ कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना। धूल मिट्टी गंदगी जो भी रहता है सब साफ हो जाता है फेस से। हम एक बॉल लेंगे, स्क्रबर, स्क्रबिंग करने के लिए स्क्रबर तैयार हम करते हैं। सबसे पहले हमें चावल का आटा लेना है। चावल को घर पे ही पीस लिए हैं, पीस करके हम चावल बना लिए, चावल का आटा बना लिए हैं। इसे हम एक चम्मच चावल का आटा लेंगे, हमें एक चम्मच नींबू का रस चाहिए, इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी चाहिए। गोल्ड फेशियल कर रहे हैं तो इसमें हल्दी का यूज करना जरूरी होता है। अब इसमें हम एलोवेरा जेल, ये घर का एलोवेरा जेल है, घर पे ही हम एलोवेरा का पत्ता काट करके उसका पल्प निकाल करके इसको हम मिक्सी में पीस लिए हैं। ये घर का नेचुरली एलोवेरा जेल है। इसे हम दो, जितना हमको ज़रूरत है हमें एक चम्मच लगा इसमें। अगर आप ज़्यादा स्क्रबर बना रही हैं तो ज़्यादा लगेगा, एक से दो चम्मच लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इसे अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और मेरे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिल चुका है। अब इससे हम अपने फेस का स्क्रबिंग करेंगे। करीबन 2 से 3 मिनट इसे हमें करना है, हल्के हाथों से लगाते हुए। हम दोनों हाथ से इसे स्क्रबिंग करेंगे हल्के हाथों से। ज़रूरत पड़ा तो इसमें हल्का और एलोवेरा हाथ में लेकर के फिर कर सकते हैं, अगर सूख जाता है तो। इसे ऐसे कर, इसे पांचों उंगली कैसे कीजिए, अंगूठा को नीचे ऐसे और इसको ऊपर हल्के हाथों से दबाते हुए कीजिए। नाक पे सबसे ज़्यादा डेड सेल्स होता है तो इसे हम नाक पे ज़्यादा अच्छे से साफ करेंगे, गंदगी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए हाथ से ऐसे प्रेस करें, यहाँ पे इसे रिलैक्स महसूस होगा। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गया, अब इसे हम अच्छे तरह से साफ करेंगे। आप चाहे तो इसे धो सकते हैं या तो गीले रुमाल से आप इसे पोंछ भी सकती हैं, तो हम इसे गीले रुमाल से इसे साफ करेंगे अभी। फ्रेंड्स, मेरा फेस साफ हो चुका है। अब इसे हम दूसरा स्टेप अपनाएंगे। दूसरा स्टेप के लिए हमें गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी खौला हुआ है, गर्म पानी चाहिए। स्टीम लेंगे अपने फेस पे ताकि बर्न पोर्स खोल सके मेरे फेस का। तो इसके लिए हम टॉवल का यूज करेंगे। टॉवल से हम इस तरह से अपना सर ढकेंगे और इसे ऐसे लेंगे। फ्रेंड्स, इसे 2 मिनट में, इसे ज़्यादा आप फेस पे गरम बाष्प मत लीजिए, स्टीम नहीं लीजिए।
हम अपने फेस को ले चुके हैं, मेरा फेस एकदम बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब हमें तीसरा स्टेप अपनाना है, तीसरा नहीं, पहला क्लींजर हुआ, दूसरा स्क्रबिंग हुआ, तीसरा स्टीम हुआ, और चौथा मसाज करेंगे अपने फेस को। मसाज करने के लिए हमें इसमें एक चम्मच शहद चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए और एक चम्मच हमें एलोवेरा जेल चाहिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा आधा चम्मच मिल्क चाहिए। अभी इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। हम मसाज 5 मिनट तक करेंगे, हल्के हाथों से लगाते हुए मसाज करना है। ये अच्छे से मिल चुका है, अब हम मसाज करेंगे। अब हमें तरह ऐसे करना है, हथेली से ऐसे करना है, हल्का प्रेस कर देते हुए कीजिए। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है, अब हम अपने फेस को साफ़ करेंगे, वैसे ही जैसे हम पिछली बार किए थे स्क्रबिंग के टाइम, वैसे ही हम हैंकी से अपना फेस साफ़ करेंगे। फ्रेंड्स हम अपना फेस साफ कर चुके हैं, आप मेरे फेस को पहले से ही बहुत ही अच्छा भी साफ लग रहा है, मतलब पहले के अपेक्षा बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। अब है इसमें लास्ट स्टेप ये है कि फेस पैक अब हम अपने फेस पे लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए पैक, फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए चंदन पाउडर, एक चम्मच हमें चंदन पाउडर चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम फेस के लिए बना रहे हैं तो फेस सिर्फ हम गर्दन में नहीं, नेक में नहीं हम फेशियल किए हैं, हम सिर्फ फेस पे किए हैं, तो फेस के लिए सिर्फ एक ही चम्मच लेंगे। अगर आप गर्दन भी कर रही हैं तो ज़्यादा ले सकती हैं। ये पपाया सीरम है, इसका हम अभी यूज करेंगे इसमें। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप नारियल तेल यूज कर सकती हैं, या फिर जैतून का तेल कर सकती हैं, या कैक्टस का कर सकती हैं। हमें इसमें 2 से 4 बूंद ही चाहिए। अब हमें एलोवेरा जेल चाहिए, क्योंकि इसमें हम एलोवेरा का ही गोल्ड फेशियल बना किए हैं, तो एक चम्मच हमें एलोवेरा जेल चाहिए। अब हमें इसमें हल्दी चाहिए, अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। हम थोड़ा सा हल्दी और ऐड किए हैं। हमें फेस पैक सूखने तक वेट करना है लगा करके, जब सूख जाए तो अच्छे से फेस को धो लें, धो करके उसके बाद हम दिखाएंगे अपने फेस पे लगाने के बाद सूख जाएगा, उसके बाद धो करके हम अपना फेस दिखाएंगे कि पहले किस तरह से आप लोग को दिख रहा था मेरा फेस और अब कैसा दिख रहा है। फेस पैक बन चुका है, अब इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे। फ्रेंड्स मेरे फेस पे लग चुका है फेस पैक, अब इसका हम सूखने तक वेट करेंगे, उसके बाद धो करके हम आपको अपना फेस दिखाएंगे। फ्रेंड्स हम अपना फेस से फेस पैक साफ कर चुके हैं, आप मेरे फेस को देख सकते हैं कैसा लग रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं मेरा फेस पे पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है। अब अपने फेस पे हम सीरम लगाएंगे, पपाया का सीरम है वो हम लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो बटर या कोकोनट ऑयल या जैतून का ऑयल आप यूज कर सकती हैं अपने फेस पे। हम इसे 2 से 3 बूंद लेंगे, इसे हम अपने फेस पे अच्छे से लगाएंगे। फ्रेंड्स हम अपने फेस पे सीरम लगा चुके हैं, आप मेरे फेस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम इसलिए ये फेशियल लेकर के आए थे गोल्ड फेशियल, कि आपको गोल्ड फेशियल पार्लर में बहुत ही महंगा पड़ता है, जो कि हर लेडीज़ के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है जो कि इतना खर्च कर सके अपने फेस पे। तो हम इसलिए हमें ये फेशियल लेकर के आए हैं, ताकि जिनके पास उपलब्ध नहीं है वो फ्री में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई खर्च आपको नहीं आएगा।
ये हर चीज़ घर पे ही आपको उपलब्ध है, सिर्फ इसमें आपको चंदन पाउडर ही लाना है बस। और शहद है घर पे भी, अगर शहद है तो घर का शहद चलेगा, अगर नहीं है तो आप घर से मार्केट से मंगवा सकते हैं। और इसमें आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस इतना ही से आपको गोल्ड फेशियल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम घर पे नेचुरली तरीके से कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा, आपके फेस के लिए भी अच्छा है। अगर आप कॉस्मेटिक चीज़ यूज करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके फेस कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो फेशियल करवाते हैं वो मेरे फेस को सूट नहीं करता है, दाना हो जाता है, रैसेज मेरे फेस पे या हो जाता है। तो इसके लिए आप घर पे अगर फेशियल करती हैं वो भी नेचुरल तरीके से, वो भी एलोवेरा का, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए और मेरे वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख सकें। थैंक यू।